किधर भाई किधर। सो हेलो एंड गुड मॉर्निंग यू ब्यूटीफुल पीपल। सूर्य देवता निकलते हुए और थोड़ा विटामिन ले रहे हैं ठंडी में। ठंडा ठंडा पवन, उससे ज्यादा थोड़ा विटामिन ले ले तो थोड़ी ठंड कम लगेगी। हेलो एंड गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। तो अभी ऑफिस जाने के लिए निकल गया हूँ मैं, और सबसे पहले तो बाइक में हवा चेक करवानी है। तो यहाँ पे पेट्रोल पंप है, वहाँ से हवा चेक करवा लेते हैं। तो बाइक में हवा वगैरह तो चेक करवा ली है, और कम भी थी तो थोड़ी बहुत हवा भी सही करवा ली है। बस अभी खाली बाइक को कल सर्विस में रखना है, तो ये हैंडल वगैरह का भी काम हो जाएगा। और दूसरा शायद नीचे से भी एक पाइप है वो टेढ़ा हो गया है, जिस वजह से गिरी थी ना, तो इस वजह से वो पाइप भी थोड़ा टेढ़ा हो गया है, तो वो भी सही करवाना पड़ेगा। क्योंकि इतने दिन मेरा ध्यान नहीं गया, लेकिन आज जब मैं गाड़ी निकाल रहा था तो जब टर्न की तब देखा कि वो पाइप थोड़ा टेढ़ा हो गया है। वो जो मैंने ग्राफिक्स वाला भी एक दो ब्लॉग्स में बताया था कि वो डिज़ाइन वगैरह है, तो वो मुझे नहीं सही लगा, मतलब वो सेट नहीं हो रहा था बराबर। फिनिशिंग जो मुझे चाहिए था वैसा फिनिशिंग उनसे हो नहीं रहा था, तो फिर वो मैंने कैंसिल कर दिया है। अभी देखता हूँ और कोई वडोदरा में मिलता है। चलो तो अभी ऑफिस पहुँच गए, जाते हैं ऊपर और काम वगैरह शुरू करते हैं। आज मेरे बाजू में एक जो सर बैठते हैं वो भी आज छुट्टी पे है। जैसे मैंने आपको बताया था कि वो UK जा रहे था, जिनका शायद से बायोमेट्रिक है, तो उस वजह से आज वो नहीं आने वाले हैं। आज का दिन अकेले निकलेगा। चलते हैं ऊपर और काम वगैरह शुरू करते हैं, जो भी काम वगैरह। दोपहर को ब्रेक में मिलते हैं। चलते हैं ब्रेक में, खाना वाना खाते हैं, तो लंच ब्रेक खत्म। अभी चलते हैं काम पे, काम वगैरह चालू करते हैं और मिलते हैं शाम को। बड़ौदा में बहुत फॉगी वेदर है। फॉग है मतलब इधर तक का भी, नजदीक का भी नहीं दिख रहा है, मतलब इतना दूर दूर भी बहुत ज्यादा फॉग है। आज फॉगी एटमोसफियर है। सीन ऐसा है कि आज इतना काम था ना कि दोपहर में कब 3:30 बज गए वो पता ही नहीं चला। तो 3:30 बजे मैंने ब्रेक लिया, खाना खा के तुरंत आया और जस्ट अभी फ्री हुआ, और अभी जो टाइम हुए है 7 बजे, मतलब 7 भी कहाँ बजे वो भी नहीं पता चला है। आज का इतना काम था कि टाइम कहाँ निकला है कुछ पता नहीं चला है। तो अभी बस 15-20 मिनट और है, फिर निकलते हैं घर पे जाने के लिए। ठीक है, चलिए। तो ऑफिस का दिन आज यहीं पे खत्म होता है, और अभी चलते हैं घर पे और साइन ऑफ वगैरह करते हैं सिस्टम, और मिलते हैं आपको बाइक पर। और दूसरा, मैंने बाइक के शोरूम पे भी बात कर ली है, कि जो मैंने बोला था कि हैंडल तो टेढ़ा, उस वजह से थोड़ा अभी प्रेशर भी आ रहा है, मतलब जो एक्सीलेटर है वो थोड़ा हार्ड हो गया है, और नीचे भी कहीं पे थोड़ा बहुत टच हो रहा है। तो मैंने बात कर ली है, उन्होंने बोला आप कल आओ तो देख लेते हैं अपने जो भी होगा उसका, तो मतलब कल या परसों मैं इसको रख दूंगा सर्विस में। कल ही पॉसिबल है, सैटरडे, या तो फिर इसको मैं मंडे रख दूंगा, तो ये सब वगैरह जो भी है वो चेंज हो जाएगा। क्योंकि ज्यादा तो नहीं बट चलाने में दिक्कत हो रही है थोड़ी बहुत, इससे अच्छा है चेंज करवा ले वही अच्छा है। बाकी आज का ऑफिस का दिन तो कब खत्म हुआ कुछ पता ही नहीं चला है। पूरा दिन खत्म हुआ है ना, बिल्कुल भी अंदाजा नहीं आया कि टाइम खत्म हो गया जैसा। किधर भाई किधर जाना, इधर है, निकल इधर से रहा है, मेरी साइड लाइट चालू है तो भी क्या ही करे भाई इन लोगों का। और ये देखो उत्तरायण की तैयारी चल रही है यहाँ पे, आगा वगा सुताने का, यहाँ पे पतंग वतंग सब लगा दिया है। अच्छा है, उत्तरायण की तैयारी स्टार्ट हो गई इधर से। हमने तो अब तक कुछ भी नहीं किया है, कुछ भी मतलब कुछ भी नहीं, सब बाकी है, और देखते हैं इस बार करना है नहीं करना है वो भी देखेंगे। तो भाई यहाँ पे भी लग गई है रील वगैरह, इधर भी है, ये साइड भी लगा दी है। ये जो रोड है ना, साल में 6 महीने तो बंद ही रहता है, कुछ ना कुछ खोद के ही रखा होता है इधर हमेशा। और जब भी ये रोड बनेगा तभी इनको याद आता है कि यहाँ पे पाइपलाइन डालनी है, तो पूरा रोड फिर से खोद देते हैं। और बड़ौदा में ये रोड की दिक्कत तो रहनी ही वाली है, एक साइड खुला रहेगा दूसरी साइड बंद रहेगा, कभी भी पानी की पाइपलाइन डालेंगे कभी गटर लाइन डालेंगे, कुछ ना कुछ चालू तो रहेगा ही यहाँ पे। और अभी पहुँच गए घर पे, तो आज का दिन भी अपना यहाँ पे ख़त्म होता है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं कल। टाटा, बाय बाय।